नमस्कार इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर शिवसेना ने कहा है कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय गर्व का मामला है। पार्टी के मुखपत्र सामना ने लिखा कि अगर ऐसा हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत को इसमें दखल देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी का एक धड़ा उत्तरी बंगाल में से केंद्र शासित प्रदेश निकालना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा केंद्र शासित प्रदेश का मतलब लोगों का अधिकार छीनना होता है। एक खबर के मुताबिक बीजेपी के जलपाईगुड़ी के नेताओं ने इस मुद्दे पर वर्चुअल बैठक की थी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों संग झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत की पहली बरसी पर कहा कि एक वर्ष गुजरने के बाद भी घटना से जुड़े हालात को लेकर स्पष्टता नहीं है। बकौल सोनिया सरकार देश को विश्वास मिले और सुनिश्चित करे कि उसके कदम जवानों की प्रतिबद्धता के अनुकूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट व जबरन धार्मिक नारे लगवाने के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। बकौल राहुल, ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर व समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। आप सांसद संजय सिंह द्वारा राम मंदिर निर्माण में जमीन घोटाले का आरोप लगाने के बाद मंगलवार को उनके आवास पर कथित हमला हुआ। नई दिल्ली के DCP दीपक यादव ने कहा कि सांसद के आवास पर नेम प्लेट पर कालिख पोती गई व मामले में दो लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। बकौल DCP किसी को चोट नहीं आई है। लोकसभा में LJP के संसदीय दल के नेता पद से हटाए जाने के बाद चिराग पासवान ने पहली बार बयान जारी किया है। बकौल चिराग, पापा यानी दिवंगत रामविलास पासवान की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। उन्होंने कहा पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। LJP अध्यक्ष चिराग पासवान समर्थक गुट ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं पारस की अगुवाई वाले गुट ने राष्ट्रीय कार्य समिति की आपातकालीन बैठक बुलाकर चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। बैठक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सूरज भान सिंह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले एक युवक को खुफिया एजेंसियों ने ISI के हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को गुप्त जानकारियां भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बतौर रिपोर्ट ATS ने कॉल डिटेल के आधार पर युवक को सोमवार रात गिरफ्तार किया। हालांकि युवक ने गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान से होने वाली कॉल डिटेल्स डिलीट कर दी थी। कर्नाटक के हुबली में सोमवार को लैंडिंग के समय इंडिगो के एक विमान का टायर फट गया जिसके बाद रनवे में दरारें और क्षतिग्रस्त टायर की तस्वीरें सामने आई हैं। बकौल इंडिगो विमान में सवार सभी यात्री व क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। एक अधिकारी के अनुसार विमान ने हवा व बारिश के बीच दूसरी कोशिश में लैंडिंग की थी। राजस्थान के सिरोही में विधवा महिला से रेप के आरोपी को पीड़िता की शनिवार को चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद से ही पीड़िता पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाल रहा था। आरोपी लड़की के वेश में पीड़िता के घर गया था। भारतीय सेना ने भारतीय रेल द्वारा विकसित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सोमवार को सैन्य सामग्रियों से लैस एक मिलिट्री ट्रेन का सफल ट्रायल किया है। इस ट्रायल की तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें एक मालगाड़ी पर टैंकों को देखा जा सकता है। बकौल सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए ये ट्रायल हुआ है। 22 जून को होने वाले भारत और अमेरिका बायोफार्मा शिखर सम्मेलन में प्रमुख वक्ता बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शॉ ने कहा है, सम्मेलन का मकसद भारत में इनोवेशन के परिवेश को बढ़ावा देना है। मुझे लगता है कि COVID-19 ने परिवेश तैयार कर दिया है। बकौल शो, अब भारत में बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स व शोध हो रहे हैं जबकि पहले ऐसा नहीं था। सर्वप्रथम भारत में मिले COVID-19 वेरिएंट डेल्टा का म्यूटेशन डेल्टा प्लस या AY.1 वेरिएंट के रूप में हुआ है। CSIR और दिल्ली के IGIB के वैज्ञानिक विनोद सकारिया ने ट्वीट किया,
B.1.617.2.1 उभरते वेरिएंट में से एक है जिसे AY.1 के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि CSIR और IGIB के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल चिंता की बात नहीं है। अभिनेता आमिर खान ने BBC हिंदी को बताया कि आशुतोष गोवारिकर ने जब लगान की कहानी पहली बार सुनाई थी तो मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैंने आशुतोष को कहा तुम ठीक काम कर लो और वो 3 महीने के लिए गायब हो गए। बकौल आमिर, बाद में जब आशुतोष ने विस्तार से स्क्रिप्ट सुनाई तो मेरी हवाइयां उड़ गई, मैं रो रहा था। फिल्म व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श के मुताबिक स्क्रीन राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी पर एंग्री यंग मैन नाम का डॉक्यूमेंट्री बनेगी जिसे नम्रता राव निर्देशित करेंगी। आदर्श ने ट्वीट कर कहा सलमान खान की SK फिल्म, फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट और जोया अख्तर की टाइगर बेबी फिल्म के बैनर तले इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक TV अभिनेता शहीर शेख शो पवित्र रिश्ता 2.0 में मानव का रोल करेंगे जिसे पहले सीजन में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था। बतौर रिपोर्ट इस बार भी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे शो में अर्चना का रोल करेंगी। साल 2009 से 2014 के बीच ऑन एयर रहे पवित्र रिश्ता को सुशांत ने 2011 में छोड़ दिया था। अभिनेत्री सुष्मिता सेन की बेटी रेनी सेन ने अपनी शॉर्ट फिल्म सुट्टाबाजी को लेकर कहा है आखिरकार खुद को स्क्रीन पर देख पा रही थी, लंबे समय से ये एक सपना था, बहुत खुश हूँ। उन्होंने आगे कहा मैं और काम करना चाहती हूँ लेकिन उसके लिए मुझे खुद पर बहुत काम करना है, मैं फुल टाइम एक्टर बनना चाहती हूँ। अमेरिकी मॉडल क्रिसी टीगन ने पूर्व में ट्विटर पर कई लोगों को बुली करने के लिए माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा मेरे पिछले भयानक ट्वीट के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं एक ट्रोल थी और मैं माफी मांगना चाहती हूँ। इससे पहले क्रिसी ने मॉडल कर्टनी स्टोडन से एक दशक पहले किए गए मैसेजेस के लिए माफी मांगी थी। 38 वर्षीय अमेरिकी फैशन डिजाइनर माइकल कॉस्टेलो के मुताबिक मॉडल क्रिसी टीगन द्वारा कथित बुलिंग के कारण उन्हें आत्महत्या के ख्याल आए। बतौर माइकल क्रिसी के चलते उन्हें फैशन इंडस्ट्री द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया। 2014 में कॉस्टेलो का एक फर्जी कमेंट वायरल हुआ था जिसमें एन शब्द का प्रयोग किया गया था, इसे लेकर क्रिसी ने माइकल पर नस्ल भेद का आरोप लगाया। 14 लाख की आबादी वाले देश त्रिनिदाद एंड टोबेगो को कोविड-19 वैक्सीन की 80 शीशियां दान करने की घोषणा के बाद अमेरिका को ट्रॉल किया गया है। देश की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित अमेरिकी दूतावास ने दान की घोषणा करते हुए ट्वीट किया था अमेरिका अपने टीकाकरण प्रयासों से त्रिनिदाद और टोबेगो की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आगामी श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच रहेंगे। दरअसल भारत को 13 से 25 जुलाई के बीच श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20I खेलने हैं और इस दौरान मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज को लेकर इंग्लैंड में होंगे। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज़।